सीधे रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड सचिवालय में हो सकता है बड़ा फेरबदल, तो जल्द जारी हो सकती है सूची। सीएम के आदेश के बाद ये सूची जारी हो सकती है। तो गृह, पीडब्ल्यूडी, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभाग में फेरबदल हो सकता है। तो सीएम के आदेश के बाद ये सूची जल्द जारी हो सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सचिवालय में बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो उत्तराखंड सचिवालय में हो सकता है बड़ा फेरबदल, सीएम के आदेश के बाद जल्द ये सूची जारी हो सकती है। तो बता दें कि गृह, पीडब्ल्यूडी, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों में फेरबदल किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड सचिवालय में हो सकता है बड़ा फेरबदल। तो जिस तरह से यहाँ पर कामकाज हो रहा है, उस काम को किस तरह से तेजी से ले जाना है, ये तमाम तरह की चीजों को लेकर बदलाव उत्तराखंड सचिवालय में हो सकता है। तो आपको बता दें कि गृह, पीडब्ल्यूडी, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभाग में फेरबदल किया जा सकता है। और संवाददाता पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, उत्तराखंड सचिवालय में हो सकता है बड़ा फेरबदल, अगर कहा जाए तो इसको लेकर कवायद सरकार की चल रही है और सरकार इसको लेकर अपनी एक पूरी लिस्ट बना चुकी है। माना जा रहा है जो आज की कैबिनेट बैठक है उसके बाद इस पर अमल किया जा सकता है और इसको लेकर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सरकार के सामने आ सकती है। मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं, क्योंकि मार्च में सरकार को 3 साल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद 2 साल का कार्यकाल बच जाएगा। तो ऐसे में सर मुख्यमंत्री की खास कोशिश है कि रोड मैप जो सरकार का है उसमें 2 साल में ताबड़तोड़ जो कार्यक्रम सरकार की मेन कोशिशों में होंगे उनको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। तो ऐसे में शासन से लेकर जिलों तक उन तमाम अधिकारियों को जो काफी समय से जमे हुए थे, उसमें उधम सिंह नगर के भी जिलाधिकारी का नाम है, उसमें हरिद्वार के जिलाधिकारी का भी नाम है, इसके अलावा शासन की भी कई विभागों में जो जमे हुए हैं उनको भी हटाने की पूरी संभावना है और लिस्ट लगभग तैयार है। मुख्यमंत्री ने लगभग उसको गो थ्रू हो चुके हैं, उसमें मुख्य सचिव और तमाम लोगों ने वो पूरी कवायद के साथ बनाई है। अब सीएम की हरी झंडी उसमें मिलनी बाकी है और जल्द से जल्द ये जो लिस्ट है वो घोषित हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि उसमें किस अधिकारी को कौन से विभाग मिलेंगे और क्या उसके बाद प्रदेश में जो विकास की पटरी है या फिर सरकार के जो कार्यों की तेजी है उसमें तेजी आ पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल पंकज, जो लगातार उत्तराखंड सरकार प्रदेश के हित में काम करने की कोशिश में जुटी हुई है और शायद एक बड़ी वजह यहाँ पर सचिवालय में एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मुख्य जो फेरबदल है वो कौन कौन से विभाग में देखने को मिल सकता है पंकज? कई विभाग हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, इसके अलावा कई विभाग ऐसे हैं जिसमें जो बिल्कुल जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य है चाहे आबकारी है, इन तमाम विभागों में बदलाव की पूरी संभावना नजर आ रही है। और ये माना जा रहा है क्योंकि सड़कें बनाना, पुल बनाना और ये तमाम चीजें बनाना जो सरकार के फोकस एरिया हैं और अवस्थापना निर्माण के जो सरकार के फोकस एरिया हैं उनको कैसे पूरा करना है, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और अगले 2 साल के अपने रोड मैप को लेकर आगे चल रही है और उसी के हिसाब से अधिकारियों का चयन भी किया जाए। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।